हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने आईपीएस क्लर्क के प्री के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ इंग्लिश के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिनोनिम से रिलेटेड है आपका, जिसका मतलब होता है सेम मीनिंग, जिसे कहते हैं सेम मीनिंग। ठीक है, अब देखिए, जैसे कैटरिंग हो गया, कैटरिंग मीन्स क्या होता है, टू यूज समथिंग। ठीक है, टू प्रोवाइड समथिंग, टू यूज समथिंग हो जाएगा। इसका सिनोनिम का बात करें, सप्लाइंग हो जाएगा, सप्लाइंग। नेक्स्ट बात करें की का, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, इसका कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी इसका हो सकता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट होता है। प्रोस्पेरस का बात करें तो प्रोस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध, जिसके पास लॉट्स ऑफ मनी हो, समृद्ध हो, समृद्ध। ठीक है, अगर से बात करें कि एंटोनिम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अनप्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड इसका मतलब होता है जिसके पास पैसा ना हो। कंज्यूमिंग मीन्स खपत करना, खपत करना हो गया, इसका इसका मतलब होता है टू यूज समथिंग, या खपत कहिए ना, खपत करना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग। फाइंड आउट एरर्स देखते हैं फ्रेंड्स। चौथा नंबर क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन है, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डज नॉट पोज एनी पार्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड आर नॉट अ यूनिक रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी और हार्ट डिजीज, नो एरर। इसमें क्या एरर है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे जो डज नॉट है, इसके जगह आपका डू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट की जगह डू नॉट, आपका इसमें गलती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, बोले फ्रेंड्स, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डू नॉट पोज एनी पार्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड नॉट ए यूनिक रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी और हार्ट डिजीज, नो एरर। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब होता। अगला चलते हैं, सी इज टू ब्यूटीफुल सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर and want to influence her. तो too beautiful यहाँ friends negative sense में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, she is very beautiful हो जाएगा, too की जगह very हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ negative sense में too का प्रयोग हो रहा है। fill in the blanks में चले तो यहाँ पे देखिए, appropriate words से आपको fill in the blanks कर रहा है, dash tiger and the lion belong to the cat family. तो यहाँ हो जाएगा the tiger and the lion belongs to the cat family. आठवां नंबर question है, choose the most suitable preposition and no one can hinder him dash doing this. No one can hinder him from doing this हो जाएगा। तो आपका 8 का सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इंग्लिश का कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि मैंने डिस्कस किया, और ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर की आईबीपीएस प्री के एग्जाम में क्लर्क में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करेंगे लाइक बटन दबाइए, कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।